हेलो किड्स, वेलकम टू क्लासिक साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 7। चैप्टर 7 का क्या टाइटल है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो अब आपको, आर यू एबल टू नो प्लांट्स नाउ? देखा ना, हमने अभी प्राइमरी क्लासेस में जो पढ़ा था रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में, अब हमें पता चल रहा है नहीं, अभी तो और बहुत कुछ है प्लांट्स के बारे में समझने के लिए। और जो हम ये लोग जो चीजें लर्न कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो लर्निंग हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स। लाइक इन द प्रीवियस सेशन वी लर्न क्या है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ रूट्स ऑल्सो, क्योंकि रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट। वैसे हर पार्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन यू देखें कि आप ये चीज देखें कि जो रूट्स होते हैं दे नॉट ओनली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बट दे ऑल्सो गिव सपोर्ट टू प्लांट। एंकरिंग का हमने देखा, अगर प्लांट सीधे खड़ा नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स में चाहे सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हो, विल द प्लांट बी एबल टू गेट, है या नहीं है? तो हर पार्ट का एक इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए वेन एवर वी सी एनी प्लांट वी शुड टेक केयर ऑफ रूट्स, हम उसको ठीक से रखें। एंड इवन वेन वी आर वॉटरिंग प्लांट्स वी शुड लुक फॉर हमें कहाँ वाटर डालना चाहिए। तो अब आपको पता चला हमेशा मिट्टी में क्यों पानी डालते, सो डेट जो वाटर है डेट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड डेट एब्जॉर्ब वाटर कैन बी यूज बाय रूट्स फॉर द कंडक्शन। ठीक है, नाउ अब हम धीरे धीरे क्या है, नीचे के पार्ट से वी आर मूविंग अप। सो अब एक और पार्ट का वी आर गोइंग टू डिस्कस, डेट इज फ्लावर। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, है या नहीं है? हम किसी प्लांट को अगर देखते हैं उसकी तारीफ करते हैं तो बिकॉज देयर फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, तभी हम कहते हैं पौधा कितना सुंदर है या नहीं है? तो सुंदरता कम्स विथ फ्लावर्स। नाउ अब आप कहेंगे फ्लावर में भी कुछ पढ़ने का है? यस, देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर। ओके, ये अगर हम देखें, रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर, ठीक है, रिकॉग्नाइज इट, ये कौन सा प्लांट है? रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो जैसा ऊपर लिखा है रिकॉग्नाइज द पिक्चर, आप देखते हैं कहेंगे दिस इज अ स्टेम, ठीक है, लेकिन स्टेम ऑफ विच प्लांट, कैन यू गिव आंसर? स्टेम ऑफ विच प्लांट, कैन यू गिव द आंसर नाउ? कोई भी हो सकता है, यू कैन नेम एनी, बट दैट वुड बी अ गेस। ओके, अब अगर स्टेम के साथ हम लीव्स भी जोड़ दें तो कुछ लीव्स हम एकदम पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ लीव्स का हमें इतना पहचान नहीं है। नाउ कैन यू नेम द प्लांट? यू कैन मेक गैस बट देन ऑल्सो यू आर नॉट वेरी श्योर। तो किसी प्लांट को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे करते हैं? व्हेन देयर आर फ्लावर्स। और ये जो फ्लावर जब आ जाता है, देखते ही हम कहते हैं ओ दिस इज अ रोज प्लांट। अगर हमें रोज प्लांट का खाली स्टेम दिखाई दे रहा था तो हम बिल्कुल क्लूलेस थे। लीफ को देखकर हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा था, लेकिन देन ऑल्सो वी वर नॉट डे श्योर। लेकिन जैसी ही हमने फ्लावर्स पर देखा, हमने एकदम बता दिया ये कौन सा प्लांट है। सो फ्लावर्स का एक जो हम देख रहे हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ फ्लावर्स वी कैन बी वेरी श्योर ये कौन सा प्लांट है या नहीं है। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। तो अब जैसा हमने देखा कि एक हमने स्टेम देखा, लीव्स देखा, फ्लावर के साथ देखा, तो ये सारा जो चीजें हैं जब ये पूरा एक कॉम्बिनेशन में होता है देन वी कैन से इट्स अ कंप्लीट प्लांट। अब आप क्या देखते हैं, आपने बीज डाला, हाँ, यू सो सीड, उसमें रूट्स निकलनी स्टार्ट हुई, हमें पता नहीं ज्यादा चला, हमने फिर देखा हल्का सा उसमें शूट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये जब शूट स्टार्ट होता है
उसमें छोटी छोटी सी लीव्स आने लग जाती हैं, तब भी हम कहते हैं अच्छा रोज प्लांट का ही दे दो। देख लीजिए आप, अगर आपको ऐसे आया फूल नहीं है तो कैन यू से दिस प्लांट इज ब्यूटीफुल? यू कैनॉट से। लेकिन जैसे ही फ्लावर देखते हैं यू से इट्स ब्यूटीफुल। तो फ्लावर काउंट्स विद द ब्यूटी ऑफ द प्लांट। नाउ अब जो ये फ्लावर आ रहा है इसमें वी सी इसके कौन से स्ट्रक्चर है? तो जब फ्लावर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक बर्ड बनती है ना? सबसे पहले बर्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये जो बर्ड होता है तो इसमें इफ यू सी तो क्या है, बाहर देयर आर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स एंड इनसाइड इज द एक्चुअल फ्लावर, मींस कलरफुल स्ट्रक्चर्स। तो दीज सिंपल ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेपल्स, और जो कलरफुल है दैट गिव्स ब्यूटी टू द प्लांट दे आर नोन एज पेटल्स। समझ में आया आपको? तो हम अब तक क्या था, अब तक वी यूज टू से कली है, कली से फूल निकलेगा, देयर इज अ बर्ड एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू गेट द फ्लावर। लेकिन ये जो जब व्हेन इट इज क्लोज्ड इन अ बर्ड द ग्रीन स्ट्रक्चर इज नोन एज सेपल एंड देन व्हेन होल फ्लावर ब्लूसियम्स इट द कलरफुल थिंग्स कम आउट एंड दैट कलरफुल थिंग्स आर नोन एज पेटल्स। सो द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर आर द पेटल्स, क्लियर? सो प्रोमिनेंट पार्ट, क्योंकि क्या हुआ जब तक कली है हम नहीं ज्यादा कुछ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फ्लावर ब्लूसम हुआ तो क्या हो गया, ये दिस बिकम्स प्रोमिनेंट और ये जो सेपल्स थे वो हम नीचे दिखते हैं, ठीक है। सो द पेटल्स आर क्लोज इन अ बर्ड विद सेपल्स, और जो सेपल है दे आर मेड ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। सो इवन क्या है, इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें वी कैन सी द डिफरेंस। जो सेपल होगा दे वुड बी समथिंग लाइक दिस, और जो आपके पेटल्स होंगे वो आपको डिफरेंट शेप के मिल जाते हैं, ऐसे में शेप के होते हैं एंड देन ऐसे शेप के आ जाते हैं, कुछ ऐसे शेप के आ जाते हैं, तो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट शेप्स। लेकिन जो आपके सेपल्स होंगे दे विल बी ऑफ ग्रीन एंड लीफी स्ट्रक्चर्स। सो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी मोर अबाउट फ्लावर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो सेपल्स हैं और जो हमारे पेटल्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, वी डिवाइड, हाँ हम उसको बीच में से अगर कट करेंगे तो जो अगर हमारे पास पूरा फ्लावर है उसका जब हम बीच में से कट करेंगे तो वी आर गोइंग टू लुक एट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका जो नीचे का पार्ट आ जाता है डेट इज नोन एज पिस्टिल, और जो ये ऊपर का यहां जो एक आपको ये पार्ट्स दिखाई देते हैं दीज आर नोन एज स्टैमेंस। इस स्टैमिन को अगर हम पूरा निकालेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, दिस होल इज स्टैमिन, इसका जो ऊपर का ऐसा पार्ट है डेट इज नोन एज एंथर, और इसका जो नीचे का हमें डंडिया जो एक दिखाई दे रहा है डेट दिस इज नोन एज फिलामेंट, और जो हमारा पिस्टल है ये क्या आ गया, इसमें वी आर गोइंग टू गेट दीज स्ट्रक्चर्स, जो इसमें नीचे हमें थोड़ा सा स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द ओवरी ऑफ द प्लांट, देन इसके ऊपर जहां थोड़ा सा पतला होना स्टार्ट हुआ डेट इज नोन एज स्टाइल, और टॉप मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। तो अभी आपके कोर्स में खाली ये नाम है,
लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, दीज आर मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जो हमें स्टेमिन मिल रहा है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये जो हमें पिस्टल मिल रहा है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. मूविंग फर्दर, अब जो पिस्टल एंड ओवरी है, तो क्या है, द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो अंदर की तरफ है, और जो ओवरी है, दिस इज द, जो मैंने आपको बताया था, दिस इज द स्वेलन पार्ट, लोअर मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. नाउ अब इस जो हमने ओवरी का जो स्वेलन पार्ट देखा था, है ना, ये क्या है, ये पूरा आई हैव शोन यू पिस्टल. अब अगर हम इसको, जो हमारा ये जो ओवरी पार्ट है, दिस इज द ओवरी पार्ट, इस ओवरी को एक हमने क्या करा, एक इसको एक बार ऐसे कट करा है, ठीक है, और एक बार इसको हमने इस वे में कट करा, सो वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन हॉरिजॉन्टल. देन वे दोनों में हमें क्या होता है, बीच में हमें छोटे सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. सीड्स क्या है, या बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं. सो ये जो होते हैं, तो इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स. सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ओव्यूल्स. सो अगर हम, अब हमने बहुत पार्ट्स देख लिए हैं फ्लावर के, तो एक इसको आई हैव मेड अ क्या है, एक हमने एक चार्ट बनाया है, डेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फ्लावर. तो जो फ्लावर है उसमें मेन टू पार्ट्स आ गए, डेट आर स्टैमिन एंड पिस्टल, ठीक है. सो सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐसे लें कि स्टैमिन जो है, डेट इज मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड पिस्टल इज द फीमेल पार्ट, ठीक है. स्टैमिन के अगेन वी हैव सीन टू पार्ट्स, डेट इज एंथर एंड फिलामेंट. अगर आप भूल गए स्ट्रक्चर, तो हमने कैसा देखा था, आई ड्रॉ इट हियर, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था, दिस वॉज एंथर, और यहां जो लंबा स्टॉक दिखाई दे रहा था, दिस वॉज फिलामेंट, ठीक है. एंड पिस्टल का हमने क्या चीज देखी थी, कि हमने उसका देखा था स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा वॉज द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा वॉज टॉप मोस्ट पार्ट. फिर इसके नीचे हमने थोड़ा स्वेलन स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, ये पतला ऐसे थोड़ा स्वेल था. आई ड्रॉ इट वंस मोर टू मेक इट मोर क्लियर. हमने क्या देखा था, ऐसे स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसका एक ये एंड देन स्वेलन पार्ट देखा था. सो दिस पार्ट वॉज नोन एज स्टिग्मा, ये जो आ रहा था ये था स्टाइल, और जो स्वेलन पार्ट था डेट वॉज ओवरी. क्लियर. सो अगर आपको वो सबसे क्लियर नहीं हुआ है, तो आई विल से जस्ट गो विद दिस चार्ट एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर. इनके क्या फंक्शन है, दीज ऑल फंक्शंस यू विल स्टडी इन द सीनियर क्लासेस. अभी जस्ट गेट टू नो द नेम ऑफ ऑल दीज पार्ट्स. सो ये सारे पार्ट्स आ गए, एंड देन ओवरी में हमने देखे थे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ सम फैक्ट्स अबाउट फ्लावर्स. फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, है या नहीं है, हमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. द नंबर ऑफ सेपल पेटल्स स्टैमेंस एंड पिस्टल्स में ऑल्सो बी डिफरेंट. तो उसके जितने पार्ट्स हमने पढ़े, तो ये नहीं है द काउंट इज सेम विद ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स. सबके काउंट में देयर विल बी अ डिफरेंस. समटाइम्स सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट. तो ये जरूरी नहीं है हर प्लांट के फ्लावर में वी आर गोइंग टू गेट ऑल दीज पार्ट्स. कहीं आपको मिलेगा टू पार्ट्स आर समर्ज विद ईच अदर, दे आर मर्ज विद ईच अदर, और कुछ आप देखेंगे कहीं यू विल फाइंड ओनली पिस्टल पार्ट, कहीं यू विल फाइंड ओनली डेट आपका जो हमने देखा था मेल पार्ट, डेट इज आपको उसमें खाली फिलामेंट एंथर देखने को मिलेगा.
सो ये जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में वी आर गोइंग टू गेट बोथ दीज पार्ट्स, कहीं एक मिलेगा कहीं दोनों भी मिल सकते हैं. एंड जो काउंट होता है डेट ऑल्सो इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सो वॉट डिड वी लर्न टूडे? टूडे वी लर्न वन मोर पार्ट ऑफ द प्लांट डेट इज फ्लावर. और फ्लावर में भी डिफरेंट टाइप के हमने और उसके देखे डिफरेंट पार्ट्स, और उनको अब पता चला कि वेयर आर द पोजिशंस ऑल्सो. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. बाय.